जिनको घुटनों में दर्द है वो कभी वज्रासन में तब तक ना बैठे जब तक घुटनों का दर्द ठीक नहीं हो जाता, लेकिन जिनको सियाटिका का पेन रहता है उनको विशेष रूप से वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठने से सियाटिका का दर्द ठीक होता है। अब बाकी जो है इसके आसनों की बात करते हैं, तो एक सिंपल सा नियम है, हम खड़े हों, बैठे हों, पेट के बल लेटे हों या कमर के बल लेटे हों, वो आसन जिस आसन में हम अपनी कमर को पीछे की तरफ लेकर के जा रहे हों, वो आसन निश्चित रूप से कमर दर्द को ठीक करेगा। ऐसे ही वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में गर्दन पीछे ले जाने वाला विशेष रूप से काम करेगा। लेकिन इसी रूप में ये ध्यान रखना है कि कमर दर्द में अगर हम अपनी कमर को आगे इस तरह से झुकाएंगे तो वो कमर दर्द को बढ़ाने का काम करेगा, और वैसे ही सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस में गर्दन को झुकाएंगे तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द को बढ़ाने का काम करेगा। तो चलो इसी तरह से शुरुआत करते हैं। यहाँ कुछ आसन हम लोगों को दिए हुए हैं, बैठ करके किए जाने वाले आसनों से शुरुआत कर रहे हैं, परंतु हम सबसे पहले लिखेंगे अर्धचक्रासन। लिखो जरा अर्धचक्रासन। तो अर्धचक्रासन मतलब बहुत ही सिंपल है, खड़े होकर के कभी भी हो जाता है। चलो ट्राई कर ही लेते हैं, एक बार खड़े तो हो जाइए, ज्यादा मत झुकना। चलो पहले ताड़ासन करते हैं, जरा हाथ जोड़ करके मिला करके ऐसे ताड़ासन, फिर वापस आ जाएंगे, फिर सांस लेकर के अंदर पूरा अच्छे से ऊपर उठेंगे, कोनिया सीधी, अच्छे से सीधी। हाँ, ये चेहरे पे मुस्कुराहट बना के रखो, प्यारे लगते हो आप ऐसे। फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे। चलो अर्ध चक्रासन पे आते हैं। अर्ध चक्रासन में सिंपल यही, कमर पे हाथ रखना है और सांस अंदर भरते हुए पीछे जाना है, जितना जा सके सहजता से। खाना खाया होगा तो ज्यादा पीछे मत जाना, खाना खाने के 4-5 घंटे बाद होना चाहिए, अभी 4-5 घंटे हुए नहीं है हमें खाना खाए हुए, तो ज्यादा पीछे मत जाना। अच्छा सुनो, जिनको सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस है ना, वो अर्ध चक्रासन मत करना। उनको क्या करना है, उनको ऐसे खड़े होकर के सिर्फ गर्दन पीछे झुकानी है, ऐसे कमर नहीं झुकानी, वरना चक्कर आ जाते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों को अर्ध चक्रासन करने में चक्कर आते हैं तुरंत। तो क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ गर्दन झुकानी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, कमर दर्द में पूरी कमर, तो सिर्फ गर्दन ही झुकाएं। प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी ना आपको, कमर दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा बाकी आसनों से। तो ये आपका अर्धचक्रासन का आसन का अभ्यास हुआ, आओ बैठ जाएं। हाँ, तो बाकी फिर उसके बाद कौन सा आसन, फिर बैठ करके करेंगे आसन। अब ये जितने भी आसन हैं इनमें मैक्सिमम आसन आपके थायराइड में भी लाभ करते हैं। तो सबसे पहले जो बैठ करके किया जाने वाला आसन है वो है उष्ट्रासन, और जिससे उष्ट्रासन ना हो वो क्या करेगा, अर्धोष्ट्रासन करेगा। कल इंटीग्रेटेड वाले पैकेज में हम बहुत सारे आसन करेंगे, तो जिससे उष्ट्रासन ना हो वो अर्धोष्ट्रासन कर लेगा, या अर्धचंद्रासन का अभ्यास कर लेंगे। तो अर्धचंद्रासन अर्धोष्ट्रासन भी किया जा सकता है, ये आपका कमर दर्द की सारी समस्याओं का समाधान। ये तो हो गए बैठ करके किए जाने वाले आसन। फिर आते हैं पेट के बल लेट करके किए जाने वाले आसन। तो पेट के बल लेट करके सबसे पहले एक आसन करते हैं हम, हाँ मकर आसन। ये अपने दोनों हाथों के ऊपर जो है थोड़ी रख करके, जिसको कमर में दर्द हो वो एक एक पैर से कर लिया करें, और जिसको कमर दर्द ना हो वो दोनों पैर से भी करते हैं। तो ये जो अभी तो कमर दर्द की बात कर रहे हैं, तो कितनी बार करेंगे, कम से कम 30-30, 40-40 बार तो करेंगे, तब जा करके लाभ मिलेगा। तो इतना तो करना है कम से कम, आराम आराम से 30-30, 40-40 बार, ये मकर आसन। मकर आसन के बाद दूसरा आसन क्या है, हाँ भुजंगासन। और कमर दर्द के लिए विशेष रूप से भुजंगासन के यहाँ 4 अभ्यास दिए हुए हैं, लेकिन इन 4 अभ्यासों में जो चौथा अभ्यास है उस पे ध्यान दे लें, क्योंकि एक अभ्यास तो हमें पता है, पहला अभ्यास जो है उसमें क्या करते हैं, उसमें हम कोनियों को नहीं नीचे नहीं लगाते, कोनियां रहती तो ऊपर है पर थोड़ी मुड़ी हुई रहती है, और जो दूसरा अभ्यास होता है उसमें पूरा कोनियां खोल करके रखते हैं। देख लेना हम लोग, इसमें जो हमारे अर्धभुजंग आसन का अभ्यास है इसमें कोनियां थोड़ी सी मुड़ी हुई है, फिर पूरा भुजंग आसन है दूसरा अभ्यास जिसमें कोनियां बिल्कुल सीधी हैं, फिर तीसरा अभ्यास जो तिर्यक भुजंग आसन हम करते हैं,
ये कमर दर्द में भी लाभ करता है, ये कॉन्स्टिपेशन में भी लाभ करता है तिर्यक भुजंग आसन, और साइटिका के दर्द में ये सारे बहुत लाभ करते हैं, सियाटिका का जो दर्द होता है। और पांचवा जो है उसमें हाथ का सहारा नीचे से ना लेते हुए हाथों को भी ऊपर उठा लेते हैं और छाती को भी ऊपर उठा लेते हैं। ये तो हुआ भुजंगासन। और तीसरा आसन जो हम लोग डेली आसन के पैकेज में करते हैं वो क्या है? शलभासन। तो शलभासन के कितने अभ्यास? वही 3 अभ्यास, ठीक है। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ नहीं है परंतु आप लिख लीजिए अगर आप कर सके तो। एक आसन और है जिसको कहा जाता है धनुरासन, और ये धनुरासन कमर दर्द के साथ साथ महिलाओं में यूट्रस की समस्याओं में भी बड़ा अच्छा लाभ करता है। इसके साथ में ये धनुरासन जब करते हैं तो ये मोटापे को भी कम करता है, पेट के लिए भी अच्छा है। परंतु वो कुछ लोगों से होता नहीं इसलिए डेली वाले पैकेज में डाला हुआ नहीं है, परंतु कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। फिर पीठ के बल किए जाने वाले आसनों में मरकट आसन है। तो ये मरकट आसन के कितने अभ्यास करते हैं अपन? 3 अभ्यास मरकट आसन के करते हैं। तो ये मरकट आसन के अभ्यास हम लोग कल करेंगे सुबह में। फिर उसके पश्चात क्या होता है एक और आसन, ये होता है आपका कटी उत्तान आसन। क्या बोला इस आसन को? कटी उत्तान आसन। और कटी उत्तान आसन में क्या करते हैं कि इसमें हम सांस भरते हैं और अपने छाती को ऊपर उठाते हैं, तो छाती के साथ साथ हमारी जो कमर का ये ऊपर वाला हिस्सा है ये भी जमीन से ऊपर उठता है। ये अगर किसी को बहुत ज्यादा कमर में दर्द हो रहा हो, डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया, अब कुछ नहीं, वैसे तो डॉक्टर हर चीज पे बेड रेस्ट बोल देते हैं, बताओ। घुटना दर्द हो जाए तो बोले घुटने को हिलाना मत और जाम कर दो, फिर मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा। हाँ बिल्कुल। तो एक कटी उत्तान आसन जब बहुत ज्यादा कभी कभी लोगों की कमर में दर्द हो जाता है तो 10-10 बार व्यक्ति को दिन में 2-3 बार ये कटी उत्तान आसन का अभ्यास कराएं, फिर धीरे धीरे आप उसको मरकट आसन पे ला सकते हैं। फिर तीसरा आसन क्या है कमर के बल लेट करके? कंधर आसन कह लीजिए, सेतुबंध आसन कह लीजिए। और फिर चौथा आसन क्या है? अर्ध पवन मुक्त आसन। ये अर्ध पवन मुक्त आसन का मतलब कि गर्दन इस पे हम लोगों को नहीं उठानी है, ये बात ध्यान रखनी है। और इसके पश्चात एक और आसन है खड़े होकर के अर्ध चक्रासन, और जो कर सके वो जीवन भर अगर शुरुआत ही कर ले, तो ये चक्रासन का अभ्यास बन जाए किसी का तो फिर उनको जीवन में कभी कमर दर्द की समस्या नहीं होगी। तो कमर के हुए। अब ये मोटापे के 12 आसनों का पैकेज है मोटापे का। अब देखो ये मोटापा जो है ना ये अपने आप में एक बीमारी नहीं है, परंतु ये बहुत सारी बीमारियों का कारण है, और इससे निजात पाने के लिए भी, अब ये तो आसनों की तो बात मैं कर ही रही हूं, लेकिन मोटापा कम करना है तो सबसे पहले जीवन में क्या छोड़ना होगा? सबसे पहले छोड़ना होगा आलस्य। फिर दूसरे नंबर पे छोड़ना होगा शुगर, चीनी इन एनी फॉर्मेट, और इसके साथ में तीसरे नंबर पे छोड़ना होगा ट्रांस फैट विशेष रूप से। वैसे तो किसी भी रूप में फैट उस समय हम अवॉइड करते हैं, परंतु ट्रांस फैट बहुत ही मुश्किल होता है संभालना। और चौथा हमें क्या छोड़ना होगा? ओवर ईटिंग, गलत समय पर खाना खाना। देखो आजकल एक शब्द है जो बड़ा नया सा नाम लेकर के आ गया, पहले तो अपने आप भोजन कितने बार खाते थे दिन में? 2 बार भोजन किया करते थे, सुबह को कर लिया 10-11 बजे और फिर शाम को कर लिया 5-6 बजे। अब किसी ने शाम को 6 बजे भोजन किया और वो अगले दिन 11 बजे भोजन कर रहा है तो कितने घंटे का गैप हो गया? कम से कम हो जाता था 15-15, 16-16 घंटे का गैप। आज वही गैप एक नया मॉडर्न नाम लेकर के आया जिसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है हमारे यहाँ तो पहले से होती थी कि जब तक पहले वाला ढंग से पच ना जाए तब तक नेक्स्ट वाला पेट के अंदर नहीं डालना है। और दूसरा और क्या इसमें ध्यान रखते हैं, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, जो दिन में एक बार भोजन करे वो हाँ योगी, जो दिन में 2 बार भोजन करे वो भोगी, और जो दिन में 3 बार भोजन करे वो। अच्छा हम क्या कर रहे हैं आजकल? कहाँ तीनों टाइम, अरे सुबह की शुरुआत होती है चाय के साथ में। अब चाय भी खाली पेट तो लेनी नहीं चाहिए, तो चलो 1-2 बिस्किट खा ही लिया जाए, उसको तो कुछ गिनते ही नहीं है, परंतु कुछ तो गया पेट में। फिर उसके पश्चात 8-9 बजे हम नाश्ता करते हैं, फिर उसके पश्चात 11-12 बजे हम लोग जो है अगर खाना खा लिया तो ठीक, वरना अब नींद सी आ रही है, 11 बजे वाली चाय ना पीऊं तो मेरा तो दिन ही पूरा नहीं होता। फिर वो चाय जाती है,
फिर उसके बाद जो है अपना खाना खाया 1-2 बजे के आसपास, फिर 3-4 बजे अरे चाय तो अब तो चाय की हुड़क उठ रही है। फिर वो चाय की हुड़क अकेली नहीं उठती है, उसके साथ फिर कुछ और भी हुड़कते हुए आता है। वो कुछ भी खाओ, कोई स्नैक्स कुछ भी किसी भी रूप में खाते हैं, कोई पकौड़े बना करके खाता है, कोई नूडल्स बना करके खाता है, कोई अपना ढोकला मंगा के खाता है। और फिर उसके पश्चात जो है 7-8 बजे तो मुश्किल से किसी का 8-9 बजे खाना होता है, और फिर उसके बाद दूध होता है। अब आप इसको गिनो तो ये तो 5-6 बार की श्रृंखला हो गई। अब इतनी बार हम इतना अत्याचार करते ना पेट के ऊपर, फिर कहते पेट ठीक नहीं रहता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो यहाँ तो हम लोगों को खुद ही ठीक होना पड़ेगा, तभी हमारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। तो मोटापन हटाने के लिए ये सारी चीजें ध्यान रखनी होंगी। अब इसमें भी जो ये चीनी है ना, ये हमारे पूरे पेट के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। और हम जहाँ बैठे हुए हैं वहां पे हमारे जो प्रदेश आए हुए हैं, पंजाब हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश, बिना मीठे के तो खाना ही नहीं होता है जी। तो ये जो मिठाई है ना, ये मिठाई बहुत कम खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पेट के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती है। हमारा पेट देखो पचाने के लिए, एक चीज सुनो, एक बहुत ही अच्छी सी चीज बताती हूँ, फिर आपको ये आसन बताऊंगी मैं। तो देखो बात ऐसी है कि हमारा जो पेट है, इस पेट के अंदर ये जो पूरा है गट हेल्थ, पेट हुआ और आपकी जो आते हो गए इंटेस्टाइन्स, इनमें टोटल मिला करके करीब कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें गुड बैक्टीरिया कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दही है, तो दही के अंदर भी बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया को हम खाते हैं ताकि वो बैक्टीरिया हमारे अंदर अच्छी हेल्थ को प्रमोट करे, पाचन को अच्छा करे। तो ऐसे अगर आप ओवरऑल देखो तो करीबन करीबन ऑन एन एवरेज एक शरीर के अंदर करीबन 1.5 किलो बैक्टीरिया होते हैं पाचन तंत्र में। कितने? 1.5 किलो। एक बैक्टीरिया का कितना वजन होता है? वो इतना हल्का होता है, इतना छोटा होता है कि हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देता। उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। तो सोचो वो कितनी संख्या में होते होंगे, 1.5 किलो बैक्टीरिया। अब ये जो 1.5 किलो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए लेकिन अच्छे होते हैं, अलग अलग चीजों का पाचन करने में सहयोग करते हैं। ये 1.5 किलो बैक्टीरिया बहुत इनके यूजफुल रहते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है पेट के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन यही बैक्टीरिया अगर आपके मल द्वार से बाहर निकल करके और चल करके आपके ये ब्लैडर में पहुंच जाए, मूत्राशय में, तो इसी यही यूटीआई का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। जो यूटीआई की समस्या होती है ना, बुखार आना और सिर भारी रहना, और महिलाओं में समस्या बहुत कॉमनली हो जाती है। क्यों? क्योंकि मल द्वार के बीच में और मूत्र द्वार के बीच में जो मार्ग, जो स्पेस है वो बहुत कम होता है, तो ये बैक्टीरिया बहुत आसानी से चल करके पहुंच जाते हैं। इसीलिए भी हमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और क्या होता है कि ये ही बैक्टीरिया पेट में तो पाचन का काम कर रहा है, और वही बैक्टीरिया अगर आपके मूत्राशय में पहुंच जाए, आपके ये मूत्र द्वार से होता हुआ, तो फिर वो बार बार यूरिन का लगना, बार बार परेशानी होना, और इस बात को महिलाएं अक्सर किसी से शेयर भी नहीं कर पाती हैं। और ये बार बार होने के कारण से महिलाओं में एक समस्या फिर कॉमनली क्या आ जाती है कि मूत्राशय की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, और वो कमजोर पड़ने से क्या होता है कि फिर यूटीआई ना भी हो तो भी स्थिति ऐसी आ जाती है कि यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, हंसे तो भी यूरिन पास हो जाता है। तो क्या करें? बाह्य प्राणायाम बहुत लाभकारी है, और बाह्य प्राणायाम करो 10-10, 15-15 बार, 20-20 बार। और बाह्य प्राणायाम में भी जो मूल बंद है, कम से कम दिन का 200-300 बार तो ऐसे बैठ जाओ, 1 मिनट लगेगा 100 बार करने में, लगाओ हटाओ, लगाओ हटाओ, लगाओ हटाओ। ये आपका पाइल्स फिशर फिस्टुला की समस्या को भी ठीक करेगा, और ये आपका यूटीआई की समस्या में भी बहुत जल्दी लाभ करेगा, और साथ में मांसपेशियों को स्ट्रांग भी बनाएगा। इसके अलावा कोई दवाई से मांसपेशियां वहां की स्ट्रांग बन सकती है क्या? आप खुद ही सोच करके देखो ना, मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाने के लिए एक्सरसाइज ही की जाती है। अब अगर आपको हाथों की मांसपेशियां स्ट्रांग करनी है तो हाथों की एक्सरसाइज करोगे ना भाई। चक्की चलाते थे तो हाथ वैसे भी तो मजबूत होते थे ना, यहाँ से स्ट्रांग होते थे मांसपेशियां। अब वो मूत्राशय की मांसपेशियां ही तो है, या फिर आपके मल द्वार की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाए तो आपको पाइल्स फिशर फिस्टुला की समस्या हो जाती है। तो ये मांसपेशियों को स्ट्रांग करने के लिए मूल बंद बहुत स्ट्रांगली काम करता है। तो इसे लगाओ हटाओ, और इसके अलावा लगा लगा करके रखो, आसन करते हुए योग करते समय लगा करके रखो, तो उससे बहुत जल्दी ये जो डैमेज हुआ है ये कंट्रोल होगा, और लंबे समय तक ये आपके जो मांसपेशियां हैं वो स्वस्थ रहेगी। तो इस तरह से भी मांसपेशियों में समस्या
आ जाती है। तो हम बात ये कर रहे थे कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, 1.5 किलो बैक्टीरिया के करीबन करीबन, ये हमारे अलग अलग पाचन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि एक ही तरीके की पाचन शक्ति से सारी चीजें नहीं पचती हैं। आपका आम पचाने के लिए अलग प्रकार के कुछ केमिकल्स हमारे पेट में लग जाते हैं और आपकी रोटी पचाने के लिए कुछ और लगेंगे। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारा पेट पचा ही नहीं पाता, बाकी पशु पक्षी और कुछ लोग पचा लेते हैं, हम नहीं पचा पाते, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर उन चीजों को पचाने का सामर्थ्य नहीं होता। जैसे कि अगर आप टमाटर की बात करें तो जो टमाटर का कवर होता है, टमाटर तो हमारा पेट पचा लेता है, परंतु कवर हमारा पेट नहीं पचाता, क्योंकि उसको पचाने के लिए जिस तरह के बैक्टीरिया या जिस तरह के केमिकल्स की जरूरत है वो हमारा पेट प्रोड्यूस नहीं करता, इसीलिए नहीं पचा पाते। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना हार्म किए निकल जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हार्म करके निकलती हैं। तो इसमें हमें सावधानी रखनी है कि जो हार्म करने वाली चीजें उनको हमें अपने पेट के अंदर डालना ही नहीं है। लेकिन टमाटर जो है वो रफिश का काम करता है, उसका कवर तो वो बांधने का काम कर देता है शौच को, इसलिए उसमें काम भी लग जाता है। तो ऐसे ये जो 1.5 किलो बैक्टीरिया है, अगर ये डैमेज होते हैं तो हमारा पाचन तंत्र बिगड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी को लूज मोशंस लग जाएं तो उसके बैक्टीरिया का डैमेज होता है, फिर 2-3 दिन लगते हैं उसको रिकवर होने में। तो इसीलिए 2-3 दिन तक व्यक्ति को किस पे रखा जाता है, खिचड़ी इत्यादि पे रखा जाता है, क्योंकि उन्हें पचाना इजी होता है। ऐसे ही कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे गट हेल्थ को डिस्ट्रॉय करती हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती हैं, तो उसमें आपका चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये जो जितने भी कार्बोनेटेड वाटर होते हैं वो तो सारे के सारे, शुगर, नमक, विशेष रूप से ये समुद्री नमक है, इसीलिए सेंधा नमक खाने की बात की जाती है, वो नमक भी डिस्ट्रॉय करता है। और ऐसे ही बहुत ज्यादा तला भुना खाएंगे तो भी वो हमारे गट हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगा, इसीलिए भी हम लोगों को, हाँ मैदा भी करती है, तो मतलब जो डायरेक्ट जाकर के आक्रमण करते हैं उनमें एक तो आपका कोल्ड ड्रिंक ही काम करती है जो कार्बोनेटेड वाटर होता है, चाय भी आपका डायरेक्ट काम करती है, और चाय मात्र उसको नहीं आपके लीवर को भी डैमेज करती है। इसीलिए जिसको भी गैस इत्यादि की समस्या है, चाय तो सबसे पहले छोड़ दो, मत रहो इसके चक्कर में, सच बता रही हूं मैं आपको। इसके अलावा आपका जो है ये जो मैंने बताया शुगर, जो चीनी है, इसीलिए बहुत कम कम लो तो ये डैमेज इतना नहीं होता, रिकवर होता रहता है, थोड़ा बहुत तो होता रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, शरीर में बनना और बिगड़ना तो चलता रहता है, परंतु इतना ना हो जाए ना कि हमारी रिकवरी होनी मुश्किल हो जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, या फिर पैकेज्ड फूड जो होता है वो भी नुकसान करता है। ये जो पैकेज्ड फूड आते हैं ना, या जो जैसे ये लेज आते हैं, कुरकुरे आते हैं, तो इनके अंदर जिस तरह के जो एसिड्स यूज किए जाते हैं वो पेट को हार्म करने वाले होते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को तो आप भूल से भी ये सारी चीजें मत खिलाओ, क्योंकि उनका पेट अभी बहुत कोमल है, और हम अभी से उन्हें खिलाना शुरू कर दें तो 15-20 वर्ष की आयु तक आते आते उसका पेट बोल जाएगा, फिर वो आगे जीवन में नहीं संभाल पाएगा। तो बच्चे के ऊपर दया करो, वैसी वाली दया नहीं कि वो रो रहा है तो उसको दिला दिया जो भी उसका मन किया, बल्कि वो दया करो जिससे उसका शरीर लंबे समय तक चल पाए। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमें पतला होना हो तो हमें कौन कौन से आसन करने हैं। आसन तो ओवरऑल सेम से ही है, ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। हम करीबन अपना 4 आसन खड़े होकर के करते हैं, और आपका जो है 3 आसन बैठ के करते हैं, और 2 आसन पेट के बल लेट करके करते हैं, और आपका 3 आसन कमर के बल लेट के करते हैं। टोटल 12 आसनों का पैकेज है, परंतु थोड़ा ज्यादा करते हैं। उसमें भी सूर्य नमस्कार कुछ ना समझ में आए तो सूर्य नमस्कार 20, 25, 30 बार से लेकर के 40, 50 बार तक कर लो। अब आप कहोगे कि हमसे तो होता नहीं है, हमारा तो शरीर साथ नहीं देता है, महिलाओं का शरीर इतना थोड़ी कर सकता है, तो इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा। अभी नहीं होता, बाद में हो जाएगा, सोच लो करना है तो धीरे धीरे हो जाएगा। महिलाओं के लिए दंड लगाना उतना आसान नहीं होता, परंतु सूर्य नमस्कार करके आप दंड की भी आपूर्ति कर सकते हो, पर मांसपेशियां भी मजबूत होंगी सारे शरीर की, पाचन तंत्र भी अच्छा होगा, फेफड़े भी अच्छे होंगे, और फिजिकल कैपेसिटी बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, शरीर शेप में आएगा। तो और कुछ ना समझ में आए तो जिसको पतला होना है वो कम से कम 50 बार डेली सूर्य नमस्कार कर ले, और आधा घंटा कपालभाति भी कर ले, तो वो करीबन 1 महीने में 4 से 5 किलो वजन व्यक्ति आराम से खत्म कर सकता है, कम कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा आपको भोजन पे, डाइट पे कंट्रोल करना है, भोजन छोड़ना नहीं है, कंट्रोल करना है आपको डाइट के ऊपर। तो खैर हम बात करते हैं इसके पश्चात जो 12 आसनों का पैकेज है, चलो लिखेंगे सब लोग। उसमें सबसे पहला क्या है, तिर्यक ताड़ आसन।
फिर दूसरा क्या है, त्रिकोण आसन। ये सारे हम योगिक जॉगिंग में डेली करते हैं, त्रिकोण आसन। फिर तीसरा है कोण आसन और चौथा है पाद हस्तासन। कमर दर्द वालों को थोड़ी सावधानी रखनी है ये करते हुए। और आप ये कहोगे कि ये तो हम करते हैं फिर भी पतले नहीं होते, फिर हम पूछते हैं कितनी बार करते हो, बोले दो दो तीन तीन बार कर लेते हैं। तो वो दो दो तीन तीन बार के आगे एक से दो जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, शुरुआत में 20 से 30 और करते करते 100-100 बार तक, तो शत सहस्त्र साधना वाला कार्यक्रम है, ज्यादा करना पड़ेगा। पहले ही दिन नहीं कर पाओगे, परंतु घबराओ मत, आपके शरीर के अंदर अगर फैट है तो मतलब उस फैट से एनर्जी भी मिल जाएगी कि आप ज्यादा कर सको। यही तो करना है, फैट को एनर्जी में परिवर्तित ही तो करना है, जो इधर उधर इकट्ठा हो गया उसको व्यवस्थित ढंग से ऊर्जा में परिवर्तित करके शरीर में प्रयोग करना है। तो ये चार आसन जो खड़े होकर के किए, वो क्या क्या नाम बताए? हाँ, और फिर बैठ करके किए जाने वाले तीन आसन क्या क्या है? चक्की आसन, स्थिर कोण आसन और पश्चिम उत्तान आसन। तो ये बड़े इफेक्टिव है, लेकिन ये भी फिर ज्यादा करने पड़ेंगे, 200, 300, 400, 500 बार तक। क्या करना होगा आपका? स्थित कोण आसन। चक्की कितनी बार चलानी होगी? 100 बार तो सामान्य व्यक्ति को चलानी है, जिसको मोटापन कम करना है उसको तो 500-500 बार तक जाना पड़ेगा। हाँ, तो उसको धीरे धीरे, भाई पैकेज में और कुछ नहीं करना, फिर चक्की ही चलानी है, तो वो चक्की चलानी है और बाकी ये मोटापे के आसन करने, और बाकी आपका स्थित कोण आसन हो गया। तो स्थित कोण आसन भी 300 बार, 400 बार, 500 बार तक करें तो अच्छे से ये फैट रिड्यूस हो जाएगा। और फिर तीसरा आसन क्या है? पश्चिम उत्तान आसन। पेट भी अच्छा होगा और मोटापन भी खत्म हो जाएगा, शरीर अच्छा हो जाएगा। और फिर उसके पश्चात पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसनों में भुजंग आसन। यहाँ पे भुजंग आसन के दो ही अभ्यास बताए हुए हैं, और ये भी भुजंग आसन ऐसे कि लगातार 100-100 बार, 200-200 बार तक प्रत्येक आसन का अभ्यास हो, कम से कम 20-20, 25-25 बार कम से कम शलभासन का अभ्यास हो। तो शलभासन का एक ही अभ्यास यहाँ पे विशेष रूप से लिया हुआ है, जो हम लोग पेट के बल लेट करके आसन कर रहे हैं मोटापन कम करने के लिए। और फिर उसके पश्चात आता है पीठ के बल लेट करके किए हुए आसन, अर्धलासन, 50-100 बार से लेकर के वही 300-400-500 बार तक अर्धलासन हो गया। पाद वृत्तासन का अभ्यास हो गया, एक एक पैर से घुमाएं जिनको कमर में दर्द है। अर्धलासन का अभ्यास भी जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर से ही करें। और फिर उसके पश्चात द्विचक्रिक आसन हो गया, फॉरवर्ड साइकिलिंग हो गई, बैकवर्ड साइकिलिंग हो गई, इस तरह से। और फिर उसके पश्चात ये 12 आसन पूरे हो गए आपके, क्योंकि आपने 4 आसन खड़े होके किए, 3 आसन बैठ के किए, 2 आसन पेट के बल लेट करके किए और 3 आसन कमर के बल लेट करके किए। परंतु इतना व्यायाम करने के पश्चात ऐसे ही नहीं छोड़ना, फिर शरीर को थोड़ा सा उसको रिलैक्स करना है। इसीलिए लास्ट में आपके लिए लिखे हुए हैं मरकट आसन के अभ्यास और शव आसन के अभ्यास। तो कम से कम एक एक दो दो मिनट मरकट आसन के जो तीनों अभ्यास हैं वो करने हैं, और कम से कम 2 से 3 मिनट शव आसन का अभ्यास करना है, तो जो थकान चढ़ी है वो उतर जाएगी। तो आप लोगों ने सारे आसनों को लिखा अच्छे से? अब आप भूलोगे तो नहीं? ये भूलना नहीं है, आपकी कक्षा में जो भी जिस भी प्रकार की समस्या का व्यक्ति आए उसको वैसा ही योग का अभ्यास करा दीजिए, और आप उसको योग का अभ्यास कराओगे वो स्वस्थ होकर के जाएगा, तो निश्चित रूप से यही तो आपकी साधना का फल है, वही तो चाहिए। देखो दुनिया में आज तक कोई डॉक्टर किसी का डायबिटीज ठीक नहीं कर पाया, पर आपकी कक्षा में कोई व्यक्ति आ जाए वो डायबिटीज वाला हो, उसका डायबिटीज ठीक हो जाए, ऐसा सक्षम आपको, हमें सबको परम पूज्य गुरुदेव ने बना दिया है, ये कोई सामान्य विज्ञान नहीं है। अच्छा, योग तो अभी आजकल तो सब लोग अपने अलग अलग हिसाब से योगाभ्यास करते हैं, अब वो अपने अलग अलग हिसाब से पता नहीं क्या क्या करते कराते रहते हैं। तो इसका हम लोगों को सबसे ज्यादा प्रामाणिक अगर हम लोगों को ज्ञान मिल रहा है तो वो भी भगवान की कृपा ही है। एक बार मैं गई थी मध्य प्रदेश में गई, तो एक बहन ने बताया कि उनको जो है उन्होंने एक यूट्यूब पे वीडियो देख ली कि ऐसे बालों को बढ़ाएं, बोले मेरे तो सारे गायब हो गए, उड़ गए सारे। तो हो, मैंने कहा भाई ऐसा मत करो कि किसी का भी सुनो, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धे आचार्य श्री महाराज की जो यूट्यूब पर वीडियो आती हैं, जो फेसबुक पे वीडियो आती हैं, उन्हें सुनिए, वही ज्ञान का भंडार है। कम से कम एक नियम बना लीजिए कि अधिकतम हो पाए तो पूरा देखिए,
अधिकतम ना हो पाए तो कम से कम आधा घंटा गुरुवर्द्वय को सुनिए। उनको जब सुनेंगे आप तो फिर आपका ज्ञान वर्धन होगा। निरंतर ज्ञान वर्धन चाहिए हमें। बहुत कुछ है अभी जो जानना है, बहुत कुछ है शरीर के अंदर जो पहचानना है। ये शरीर अपने आप में बहुत जबरदस्त औषधालय है। इसमें दुनिया अभी तक जो दवाइयां नहीं बना पाई वो शरीर आपका बना रहा है। वरना नसों को जोड़ने के लिए दुनिया के पास कोई दवाई नहीं है, लेकिन हमारा शरीर नसों को भी जोड़ने का काम कर लेता है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो लोग अगर अभी आधुनिक समाज के अंदर देखें तो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में अभी भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका कोई समाधान नहीं है। अब जैसे अपना शरीर कितना काम करता है, सब रोगों के उपचार भी करता है। अब एंटीबॉडीज कहीं बाहर से नहीं बनती, शरीर अपने आप ही बना लेता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कहीं कट जाए तो शरीर उसके लिए रिकवर करता है। और आप बताओ कितना बड़ा काम है कि आपने खाया अमरूद, आपने खाया केला, आपने खाया चना, आपने खाई गेहूं, आपने खाई दालें, लेकिन उसको रक्त बना दिया। किसने? आपके शरीर ने। उसमें से निकाल करके आयरन और हीमोग्लोबिन बना दिया। किसने? आपके शरीर ने। उसी ऊर्जा को प्रयोग करके आप अपना दिमाग चला पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप जीवन के सारे कार्य कर पा रहे हैं। तो ये शरीर के अंदर ही हो रहा है। तो शरीर के अंदर अपने आप में एक जबरदस्त औषधालय है। एक बार कोई बीमारी लग जाए, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तो कितने सारे वायरल इन्फेक्शन से तो ऑलरेडी थाउजेंड से हजारों से हमारा शरीर लगातार रक्षा कर रहा है हमारी। अब वो छोटी माता बड़ी माता एक बार निकल जाए तो दूसरी बार नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर उसके लिए एंटीबॉडी तैयार हो जाती। ये सब शरीर बना करके तैयार कर रहा है। तो अपने आप को आप साधारण एंटिटी मत समझो। आपको भगवान ने बहुत सारा सामर्थ्य दिया, बहुत कुछ तो अभी छुपा हुआ है। तो हमारे बीच में थोड़ी देर में आदरणीय राकेश भाता जी का आगमन होने वाला है। तो हम लोगों ने ये आसन तो देख लिए थायराइड के और गर्भवती महिलाओं के लिए, और अन्य बाकी जो आसन है वो हम अभी हमारे और भी सत्र होंगे, उन सत्रों के माध्यम से हम इनको जानेंगे।